डियर स्टूडेंट्स, आज हम रुचि रहा तृतीय भाग जो कि कक्षा 8 की संस्कृत की किताब है उसका अष्टम पाठ है, आठवां पाठ संसार सागर से नायक है की व्याख्या करने जा रहे हैं, जो कि संसार सागर के नायक, संसार के जो सागर हैं उसके नायक कौन हैं, इस बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसकी व्याख्या, के आसन थे अज्ञात नामान है, वे कौन थे जो अज्ञात दिशा से आए थे, वे कौन थे, के आसन ते, ते मतलब सह तव ते, ते वह वचन है, के मतलब कौन, आसन थे अज्ञात नामान है, अज्ञात अज्ञात वे लोग कौन थे, कौन सत्सह सहस्र तड़ाग सहसैव शून्यात न प्रकटु होता, सैकड़ों हजारों तालाब सहसैव सहसाधन एव मतलब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए, इमे एव तड़ाग अत्र संसार सागर अस्त, यही जो तालाब हैं यही संसार के सागर हैं, एतेषाम आयोजनस्य नेपथ्ये निर्माण त्रिणाम एकम निर्मातृणाम च दशकम आसीत, और इनके आयोजन के लिए इनके इन्हें बनाने के लिए निर्माण करने वाले निर्माण कराने वाले एक और निर्मातृणाम च और निर्माण करने वाले दसों होते थे, दशकम मतलब दसों थे, अर्थात कुआं का निर्माण करने कराने वाले एक होते थे जबकि निर्माण करने वाले दसों होते थे, एतत् एकम दशकम च अहत्य शतकम सहस्र च वाराच्यत, और इस प्रकार से एक से दस और दस से लेकर सैकड़ों और सैकड़ों से हजारों की रचना हुई, परम विक्तेश द्विशत वर्षेष, लेकिन पिछले 200 वर्ष से नूतन पद्धत्या समाजे नई पद्धति से समाज ने यद किंचित पठितम, जो कुछ भी कुछ दूसरा पढ़ लिया है जिसकी वजह से इनकी धीरे धीरे क्या हो रही है इस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, अर्थात आज के परिवेश में आज की तारीख में भला तालाब कौन खुदवा रहा है, कुआं कौन खुदवा रहा है, कोई नहीं, पठतेन ते समाजेन एकम दशकम सहस्रकम इतने शून्य च परिवर्तन, और यह नई पीढ़ी में समाज में जो लोग पढ़े उनसे एक से दस, दस से सौ, सैकड़ों सौ से हजार, और ये धीरे धीरे सब क्या थे, धीरे धीरे शून्य में बदल गए, अर्थात जो तालाब जो कुएं पहले लोग अधिक खुदवाते थे आज उनकी संख्या धीरे धीरे जीरो होती चली जा रही है, जीरो में परिवर्तन होता चला जा रहा है, अस्य नूतन समाजस्य मनसि यमपि जिज्ञासा न उद्भूता यत अस्मात् पूर्वक एतावत् तड़ागानां के रचयन्ति, इसमें इस नूतन समाज नए समाज के मन में यमपि यमधन यह भी जिज्ञासा नहीं आई कि अस्मात् पूर्व हम लोगों से पूर्व यह तालाब की रचना कर कौन है, किन्होंने इनकी रचना की, एतादृशान कार्याणि कर्तु ज्ञानस्य यो नूतन प्राविधि विकसति, और इन कार्यों के ज्ञान को छोड़ करके वो नए तकनीक का विकास किए, नई तकनीक का विकास किए, तेन प्राविधान या पूर्व संपादितम इत कार्य माप्युतम न केन्व प्रयतुतम, कह रहे हैं तेन प्राविधान प्राविधिनापि उनके प्राविधि ने नई नई तकनीकी में के पहले संपादितम इन कार्यों के संपादन में माप्युतम न किमपि प्रयतितम किसी ने मापने का प्रयास नहीं किया, इसको मापने का प्रयास नहीं किया, जानने का प्रयास नहीं किया, आखिर इसकी रचना किसने किया, अद्य ये अज्ञात ना मान वर्तते, आज ये अज्ञात मान हैं मतलब अनजान हैं, पुराते बहु प्रथिता आसन लेकिन पहले बहुत मशहूर थे, अशेषे ही देशे तड़गा निर्मियंते अस्म निर्मातारो अप अशेषे देशे निवसंत, अशेषे ही देशे तड़गा निर्मियंत, जिस प्रकार से अनेकों देशों में इनकी रचना होती है उसी प्रकार से निर्माण करने वाले भी
काफ़ी संख्या में मौजूद रहते थे, मतलब रहते थे। गजधर इत सुंदर शब्द तड़ाग निर्मृताणाम सादरम स्मरणार्थम। गजधर यह सुंदर शब्द तड़ाग निर्मृताणाम मतलब तालाब के निर्माण करने वालों का के लिए सादर पूर्वक स्मरण किया जाता है, याद किया जाता है। यानी तालाब खोदने वाले को क्या कहा जाता था? गजधर कहा जाता था। राजस्थानस्य केषुचित् भागेश शब्दो अयम अद्याप प्रचलित। राजस्थान के किसी भाग में यह शब्द अत्यंत प्रचलित है। कह गजधर, गजधर कौन है? यह गज परिमाणम धारियत सह गजधर, जो गज का धारण करता है, मापने वाले गज का धारण करता है। गज एक होता है जो कि तीन हाथ का होता है, लोहे का एक बना हुआ होता है जो तीन हाथ गज धारण करता है, वही गजधर होता है। गज परिमाणम ये मापन कार्य उपयुज्यते। गज परिमाण मतलब गज का मापने और नापने के उपयोग में काम आता है। समाजे त्रिहस्त, समाज में तीन हाथ, परिमाण मित की लौहिष्टम, नाप तीन हाथ की परिमाण वाली लोहे की जो छड़ी होती है। हस्ते गृहत्व हाथ में लेकर चलंत गजधरा, गजधर चलते हैं। इदानी शिल्प रूपेण नव समाधिस्था संत, और इस प्रकार से वो शिल्प रूपेण मतलब शिल्पी के रूप में कभी उन्हें नहीं देखा गया। गजधर है यह समाजस्य गांभीर्य माप्यते तस्मिन रूप में परिचित है। और गजधर समाज के में गंभीरता को नापते हैं, गंभीरता मतलब गहराई को नापते हैं, इस रूप में भी परिचित होते हैं। गजधरा वास्तुकरा आसन, गजधर वास्तव में वास्तुकार होते हैं। वास्तुकार जो कि उनकी घर का नक्शा बनाना और उनका पैटर्न बनाना, ये वास्तुकार का काम होता है। काम ग्रामीण समाजो भवतु नगर समाजो वातस्य नव निर्माण सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्व गजधरा निभालियन्ति। गजधर का काम ग्रामीण समाज में और नगर समाज में नव निर्माण करना, सुरक्षा प्रदान करना गजधर का दायित्व तो होता था, जिसे वो निभालियंत मतलब निभाते थे। नगर नियोजनात लघु निर्माण पर्यंत सर्वाणि कार्याणि एते द्वय आधृतानि आसन, मतलब नगर नियोजन में, नगर निर्माण में, लघु निर्माण में सभी कार्यों में उनकी विशेष भूमिका होती थी। ते योजनाम प्रस्तुवन्ति अस्म, जो योजना वो बनाते थे, भाविव्याम आकलयन्ति, भविष्य में उसका आकलन होता था। उपकरण भारान संग्रहन्ति अस्मि, और उपकरण वगैरह अपना उपकरण के साथ उनका उपयोग करते थे। प्रतिदाने ते न यद याचन्ते अस्मि यद धातुं तेषां स्वामिनी असमर्था भावी। प्रतिदाने ते न यद याचन्ते, प्रतिदिन याचना नहीं करते थे यद दातुम देने के लिए, कभी वो प्रतिदिन निवेदन नहीं करते थे। तेषां स्वामिनी असमर्था, जिनके स्वामी असमर्थ होते थे, जिनके मालिक असमर्थ होते थे, उनसे मांगते नहीं थे। कार्य समाप्त हो वेतनाप अतिरिच्य गजद्रव्य सम्मान प्रदीयते अस्म, और कार्य समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त गजधर को सम्मान पूर्वक उन्हें भेजा जाता था। नमः एतादृशेभ्य शिल्पभ्य, ऐसे शिल्पी को बार बार नमस्कार है।